भारत में नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है। सरकार भी नदियों के संरक्षण के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन सरकार के ही जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी की बानगी हमें देखने को मिली है रतलाम से, जहां पर शहर के अति प्राचीन झाली तालाब की तस्वीरें अलग ही अपना दर्द बयां कर रही हैं। शहर के मध्य एकमात्र अति प्राचीन दर्शनीय स्थल के पास 400 वर्ष पुरानी झील तालाब में गंदगी फैली हुई है, जिसके चलते तालाब की मछलियां तो प्रभावित हो ही रही हैं, साथ ही पानी से स्थानीय नागरिक भी गंदे पानी से प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। तालाब में पसरी गंदगी के चलते सफाई व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ रही है। मैं छत्तीसगढ़ का पार्षद प्रतिनिधि हूँ, पार्षद मेरी वाइफ है। ये झारे तालाब आपके अधीनस्थ ही आ रहा है? हाँ, झारे तालाब आज छत्तीसगढ़। ये मछलियाँ मर रही हैं, यहाँ पर किन कारणों से मछलियाँ मर रही है? मछली मरने का कारण क्या है सर, ये जो दीपक वगैरह इसमें लगाए हैं 3-4 दिन से, और दीपक में जो तेल डालते हैं तो तेल ये जो पानी की सतह पर आ जाता है और उससे मछलियों का। स्वच्छता अभियान के नाम से तो पूरी तरह से पलीता लग रहा है। जब हमारी शासन प्रशासन, राज्य शासन, केंद्र शासन ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का ये मतलब बताया कि सारी चीज़ें गली मोहल्ले से नदी तालाब वगैरह सभी में सफाई हो रही है, सभी में सफाई करवा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर कालिका माता का जो झाली तालाब है इसके अंदर